मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ टू गॉड एंड टू माई ऑडियंसेस कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं इतने लंबे अरसे तक उनको एंटरटेन कर पाई मैंने बीच में ज़्यादा फिल्में की नहीं बल्कि सात सात साल आठ साल मैंने काम ही नहीं किया फिल्मों में जानबूझ के इट वॉज़ अ सेल्फ सेल्फ टेकन सबैटिकल बट अब मुझे ऐसा लगता है कि दौर भी बदल गया है कंटेंट भी बदल गया है मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था जब मैंने शुरू भी किया था इंडस्ट्री में तो मुझे हिंदी बोलनी आती नहीं थी मैंने बहुत मेहनत की आ, मुझे ताज्जुब होता है कभी कभी आ, मैं कैसे कर पाती हूँ और मैं कैसे बोल लेती हूँ क्योंकि हम लोग हिंदी में सोचते ही नहीं अब जाके इतने सालों के बाद आई थिंक पाँच साल पहले तक मैं ठीक से बोल भी नहीं मैं फ़्रेम नहीं कर पाती थी सेंटेंसेस बट गॉड इज़ बिन वेरी काइंड टी वी एक ऐसा माध्यम रहा है uh, जिसने मुझ मतलब उसके ज़रिए मुझे लोगों से बहुत सारा प्यार मिला जिन ऑडियंस ने जैसे बच्चे जिन्होंने मेरी पिक्चरें देखी नहीं वो मुझसे रूबरू हुए टी uh, वी के okay. जरिए तो अब ये टाइम आ गया है कि मैं इस जेनरेशन को एक नई शिल्पा शेट्टी इंट्रोड्यूस करूँ प्लीज़ दैट इज़ दी ओनली वे आई थिंक एंड मुझे वो अपॉर्चुनिटीज मिले ये बहुत बड़ी बात है तो मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ एंड आई होप मुझे अच्छा लगता है जब आप जब मेरे ऑडियंसिस जो मैं देखती हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे लोग सरप्राइज हैं कि मुझ में अभी भी वो काबिलियत है कि मैं लोगों को तीस साल के बाद सरप्राइज़ कर पा रही हूँ ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो आई होप आई एम एबल टू डू दैट और भगवान मुझे वो शक्ति दे कि मैं मैं और भी आगे भी लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ और इम्प्रेस कर पाऊँ